आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मनावर में मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस। कल मनावर शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस के सभी संगठनों द्वारा इसे तिरंगा यात्रा के रूप में बड़े उत्साह के साथ यात्रा निकालते हुए मेला मैदान स्थित मांगलिक भवन से निकालते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कांग्रेस भवन में समापन किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर अपने विचार व्यक्त कर इस अवसर पर सर्वश्री राधेश्याम मुवेल, संदीप अग्रवाल, नारायण जोहरी, नगर पालिका अध्यक्ष शिवराम पाटीदार, काकरेचा युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भूपेंद्र सवनेर, राजेश पवार, हरीश खंडेलवाल, उमेन पाटीदार, अशोक जैन, आईटी सेल अध्यक्ष ऋषभ कीमती, किसान कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र पाटीदार, आशीष पाटीदार, राहुल वर्मा, विपुल पाटीदार, केदार पाटीदार, जीवी सावनेर, जितेंद्र सोलंकी, सलीम खान, विकास शर्मा, महेंद्र गहलोत, मोतीलाल बर्मन, जया वानखेड़े, अख्तर बी करण सिंह दरबार, संग्राम सिंह, रुपेश जौहरी, सुदर्शन जैन, जयती मित्तल, अर्शद कुरेशी, इकबाल कुरेशी, दिलीप पटेल, अरुण गर्ग, नरेंद्र जायसवाल, चौहान सिंह चौहान, रवि राठौर, सूरज जाट, इकबाल बोहरा, सुनील स्टार, अखिलेश कुशवाहा, अयाज खान, सीताराम सोलंकी, आनंद सोलंकी, सिराज मंसूरी, योगेश जख्मी, नवीन कर्णिक, सत्तू जायसवाल आदि कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट।